दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। इस दौरान उपभोक्ताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उपभोक्ता संरक्षण संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने बताया कि बैठक में नगर परिषद में कई वार्डों में सीवरेज व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही लोगों को इससे आ रही दिक्कतों पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि हीरानगर क्षेत्र में सीवरेज की लाइन टूटी हुई है, जिसको लेकर समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों को तवज्जो नहीं मिलने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पर्चियां बनाने के लिए तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन है, लेकिन जब चिकित्सक जांच के लिए डॉक्टर के पास पर्ची जाती है तो उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में चिकित्सक अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया है। सुशील शर्मा ने बताया कि बैठक में ये भी मामला उठाया गया कि जिला में चल रहे ऑटो रिक्शा के रेट निर्धारित नहीं है। ऑटो रिक्शा चालक मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं, जिससे लोगों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। इस बारे में आरटीओ हमीरपुर को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। साथ ही सरकारी राशन डिपो को लेकर भी उपभोक्ता संरक्षण संगठन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतों के समाधान हेतु खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को भी पत्र लिखा गया है। साथ ही 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बारे में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर इसका आयोजन करने पर भी विचार किया गया। अदी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की आज यहाँ पे बैठक हुई। बैठक में बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो लोगों से सरोकार रखते थे, तो उसमें सबसे पहले मुद्दा था यहाँ पे जो सीवरेज की व्यवस्था है, कुछ वार्डों में सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके साथ ही यहाँ पे एक शिकायत आई है जो सीवरेज की पाइपलाइन टूटी है हीरानगर में अणु में, उसके बारे में भी शिकायत आई है वार्ड नंबर 1 की। और इसके साथ ही जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उनके पर्चियाँ तो अलग बन जाती है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको देखने के लिए जो है वो ओपीडी में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो इस बारे में भी हम लोगों ने जो है चिकित्सा अधीक्षक जो हैं उनको लिखने का निर्णय लिया है। इसमें एक साथ एक और कंप्लेंट आई है हमारे पास के जो हमीरपुर में ऑटो रिक्शा हैं उनके रेट निर्धारित नहीं किए गए हैं। पहले जो थे वो कहा गया था कि कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, लेकिन अब क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और ऐसी शिकायतें आई हैं कि वो अपने मनमाने दाम जो हैं वो वसूल रहे हैं, तो इस बारे में भी हमने जो है आरटीओ हमीरपुर को लिखने का निर्णय लिया है। राशन डिपो हैं उनकी व्यवस्था के बारे में भी हमें शिकायत आई है कुछ के बारे में, तो उस बारे में भी हमने जो है वो DFSC हमीरपुर को लिखने का निर्णय लिया है। साथ में 24 दिसंबर को हमेशा हमारा एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम होता है, जो जिला उपभोक्ता खाद्य जो विभाग है उसके साथ मिलकर मनाया जाता है, क्योंकि अब काफ़ी कोरोना के भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस बारे में भी अभी DFSC हमीरपुर से मिलकर जो है इस मामले को उठाया जाएगा।